देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आई हूँ कहरवा से मिलती जुलती एक ताल। ये कहरवा ताल का एक छोटा सा रूप है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। कहरवा ताल के जो भी रूप है वो मैं आपको जल्दी सिखाती जाऊँगी। आज ये आपका पहला लेसन है कहरवा ताल का। तो किस तरीके से बजाई जाएगी वो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बजाइएगा और बिल्कुल धीरे धीरे मध्यम गति से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बोले धिनता 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 धिनता। किस तरीके से इसको बजाएंगे, धिनता 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 धिनता। अब आप देखिएगा कि ये वाला हाथ है वो हमें कब लाना है, तो हम इस तरीके से करेंगे, आपको गिनतियों में सिखाएंगे। बोल आप बाद में अच्छी तरीके से बजाते हुए याद करते जाइएगा और अभी आप प्रैक्टिस के लिए गिनती से सीखिएगा। गिनती से सीखने से आपको ज़रा आसानी महसूस होगी। तो आप इस तरीके से ढोलक ले लीजिएगा और आप गिनती से बजाइएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात 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 पे ये दौर धा धा, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। छः के बाद जो सात आएगा उस पर आपकी ये तीन फिंगर और ये आपका पूरा हाथ इस तरीके से चलेगा। और आप इसको इस तरीके से बीच में करिएगा, किनारे पर नहीं कीजिएगा, बीच में करने से आवाज़ बहुत अच्छी निकलती है इस ताल की। तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा इस तरीके से, धिनता 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 धिनता। आप लोग बिल्कुल स्लो स्लो मेरे साथ बजाइएगा, मैं आपको इस बात की गाइडेंस कर रही हूँ कि आप जब स्लो बजाएंगे तभी आप बाद में धीरे धीरे फास्ट बजाना सीखेंगे। पहले आप अपने फिंगर्स को ढोलक पर ठीक से इस ताल के साथ बिठा लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको इस तरीके से करके भी बता देती हूँ। तो ये मैं अपनी तीन फिंगर से धिनता 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 धिनता, और जब ये सातवां होगा नंबर तो ये दोनों साथ होंगे। ये ताल कहरवा का छोटा सा रूप है क्योंकि ज़्यादातर गानों पे बजाया जाता है। तो आप देखिएगा, धिनता 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 धिन धिनता 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 धिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आगे की जो ताल जब आएगी तो उस पर ये वाला हाथ भी कंटिन्यूसली निरंतर चलता रहेगा। वो मैं आपको आगे जो इसी ताल के ऊपर सेकंड लेसन में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी ही मैं इसका लेसन टू भी लेके आपके सामने आ रही हूँ। तो आप बजाते रहिए इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो